Good morning. Today we have with us Dr. Ajit Chandrakar. This side Yogesh Sanghi from College Dunia having the interview. So, sir, can you tell me about yourself, sir? मैं डॉक्टर अजय चंद्राकर इसी महाविद्यालय का विद्यार्थी रहा. यहीं हम लोग पढ़ाई किए, पीजी किए, इसी रविशंकर यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए. मेरे अंडर में 52 पीएचडी अवार्ड हुआ है और 250 से अधिक एमफिल उनका कोऑर्डिनेटर रहा. साथ ही साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये मेरा स्पेशलाइजेशन है. इसके अलावा ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया, रिफ्रेशर प्रोग्राम में नागार्जुन यूनिवर्सिटी नागार्जुन आंध्र प्रदेश से किया, साथ ही साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया और उज्जैन विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से किया. मूल बात यह है आज के एजुकेशन इस पैटर्न में अब आवश्यकता महसूस होती है कि पाठ्यक्रमों में चेंज की आवश्यकता है. ये जो हम सब पढ़ा रहे हैं, हम लोगों का दायित्व तो बनता है कि स्किल पैदा हो, और स्किल तब पैदा होगी जब रोजगार से संबंधित पाठ्यक्रम को बनाया जाएगा. वेस्टर्न कंट्री, खासतौर से विकसित कंट्री जो हैं, वो इसके ऊपर काफी आगे बढ़ गए. कब से सुनते आ रहे हैं कि जीडीपी का 6% इसमें खर्च करेंगे, लेकिन अभी 3.5 भी नहीं है. और इसी में सैलरी, इसी में भवन निर्माण, इसी में स्टाफ की तनख्वाह, इसी में मिड डे मील, ये सब शामिल है हर एजुकेशन से लेकर के स्कूली एजुकेशन तक. जो कि यह कहना आसान है कि भारत यंग लोगों का है, लेकिन इन यंग लोगों को हमारी सरकार, चाहे केंद्र की हो या राज्य की सरकार, उदारता पूर्वक इन लोगों के लिए रोजगार मूलक पाठ्यक्रम बनवाए. तो ये बी के 70% बच्चे या फिर मैनेजमेंट के 96% बच्चे जब कंपनियों में जाते हैं और कहा जाता है कि ये इनमें तो स्किल नहीं है, हमारे लायक नहीं है, इसमें अगर सुधार हो जाता है तो एजुकेशन सेक्टर में गतिशीलता आएगी, वो डायनामिक बनेगा और साथ ही साथ मनी लूप में घूमेगा. सर, बीइंग द एचओडी ऑफ द इंस्टीट्यूट दुर्गा कॉलेज, व्हाट आर योर रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीज? यस, मैं फर्स्ट एचओडी हूं पूरे रविशंकर यूनिवर्सिटी में. जो एमफिल पाठ्यक्रम रवि विश्वविद्यालय का कोर्स होता था उसे लाया. जहां तक एकेडमिक गतिविधियों की बात है कि मैं हमेशा प्राउड महसूस करता हूं कि छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल दिनेश चंद्र साय जी मेरे एमफिल का इनॉग्रेशन किए. राजनीति विज्ञान के पूर्व विद्यार्थी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरे इस महाविद्यालय में आए. के एम सेठ दूसरे गवर्नर, वो स्वयं जब सेमिनार किया नेशनल सेमिनार, उसमें वो रिसर्च पेपर पढ़े. सलवा जुडुम की बात आई तो महेंद्र कर्मा का पहला सलवा जुडुम के ऊपर लेक्चर मेरे डिपार्टमेंट में हुआ. संसदीय व्यवस्था की बात आई केंद्र के ऊपर में तो विद्या चरण जी शुक्ल जब संसदीय मंत्री होते थे वो मेरे बच्चों को संबोधित किए. स्टेट लेवल की बात आती है अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो संसदीय मंत्री के रूप में सत्यनारायण शर्मा जी, अजय चंद्राकर जी बीजेपी से, साथ ही साथ ब्रजमोहन, ये आज के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, ग्रामीण विकास के ऊपर आज वो जितना काम कर रहे हैं. तो मैं एक सीरीज ही चलाया था 2007 और 8 में ग्रामीण विकास के ऊपर. साल भर मेरे रिसर्च के बच्चे काम किए. उन्हीं सब ये नरवा गरवा घुरवा बारी से लेकर के जो भी बातें हैं उसी समय का मेरे बच्चों का, मेरे विभाग का एज ए चोरी के रूप में जो खोज रहा है उसी को भूपेश बघेल जी आज छत्तीसगढ़ में इसको रख रहे हैं. तो ये बड़ा अचीवमेंट. ऑलराइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोग्राम टू एनहेंस स्किल ऑफ स्टूडेंट टू एक्सपोज देम इन रियल वर्ल्ड चैलेंजेस? यस, मैं अपने बच्चों को सबसे पहले, जैसे छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या, तो दो वर्ष पीएचडी के बच्चे, एमफिल के बच्चे, एमए के बच्चे, ये सब नक्सली एरिया में गए और वहां जाकर के साक्षात्कार लिए.
तो वहाँ नक्सली भी मिले, आम नागरिक भी मिले, अधिकारी भी मिले। रही बात दूसरी बात है, तो जब मध्य प्रदेश में जो पचमढ़ी है वहाँ पहले विधानसभा होता था किसी जमाने में, वहाँ के उस पुरातन संस्था में जाकर के मेरे बच्चे लोग, मेरे साथ 58 बच्चे थे, 3 दिन 3 रात वहाँ काम की। इसी तरह से चित्रकूट में ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय है, वहाँ जाकर के मेरे बच्चे लोग काम किए। और ऐसा कोई छत्तीसगढ़ में एरिया नहीं, गांव नहीं, जहाँ मैं हर साल 2 से 3 पॉलिटिकल सर्वे फील्ड में जाकर के अपनी मौजूदगी में करता हूँ। ये अचीवमेंट। ऑलराइट सर। सो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वुड यू लाइक टू पीपल नो अबाउट योर इंस्टीट्यूट दे मे नॉट नो? मतलब कि आपके कॉलेज के बारे में जो विद्यार्थी है या पेरेंट्स है, वो आपके कॉलेज के बारे में ऐसी कौन सी बात वो नहीं जानते जो आप बताना चाहते हैं? जब तक छत्तीसगढ़ बना है तो पहला विधानसभा जो था मध्य प्रदेश से अलग हुए, वहां से लेकर के वर्तमान विधानसभा तक कभी 90 में 30 MLA दुर्गा कॉलेज के होते थे जो हम विद्यार्थी नहीं जानते। वर्तमान समय में 28 MLA मेरे महाविद्यालय के प्रोडक्ट हैं। IAS की बात करें, IPS की बात करें, या फिर ब्यूरोक्रेसी में विभिन्न पदों के ऊपर बातचीत करें, या फिर वोटिंग बिहेवियर से संबंधित, चुनाव से संबंधित, पंच सरपंच से लेकर के और ये पार्षद, मेयर, इवन मेयर भी मेरा विद्यार्थी से पॉलिटिकल साइंस। सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू सी एज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द दुर्गा कॉलेज? मेरे लिए हमेशा स्टिल रिमेम्बर रहेगा जब मैडम इंदिरा गांधी दुर्गा महाविद्यालय में आई थी एज ए सूचना एवं प्रसारण मंत्री, डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा, उस समय वो एजुकेशन मिनिस्टर होते थे, एक्स प्रेसिडेंट निर्मला देश पांडे, इन लोगों का व्याख्यान जो था वो हमेशा स्टिल रिमेम्बर है। और इन्हीं चीजों को विरासत के रूप में हम लोग अपने बच्चों को बताते हैं। ऑलराइट सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनी सजेशन यू वुड लाइक टू गिव टू करंट यूथ एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट? आज का जो यूथ है उसको हिप्पी वाद छोड़ना पड़ेगा, नशीले पदार्थों को छोड़ना पड़ेगा। मैं नशीले पदार्थों के सेवन के विपरीत नहीं, लेकिन वो एक लिमिटेशन में रहते हैं और अपने एम को वो हासिल करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और पढ़ने की हैबिट नहीं है बच्चों में, वो रेफरेंस किताब नहीं पढ़ते, टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ते, ये सबसे बड़ा डीमेरिट है। ऑलराइट सर, आपने बच्चों को बहुत ज़्यादा एनलाइटमेंट दी है, इसके लिए धन्यवाद। कॉलेज दुनिया की तरफ से हैव अ नाइस डे।